शहर के कुछ इलाकों में ट्रैफिक कंजेशन के इश्यूज हैं और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए अभी दो पॉइंट्स पे स्काईवॉक एक्सप्लोर किया जा रहा है, एक सेक्टर 18 में और एक सेक्टर 15 में। तो अभी इनकी टेक्निकल स्टडीज़ और अलाइनमेंट क्या रहेगी उस पर विचार किया जा रहा है और उसके बाद अगर फाइनल होता है तो फिर हम लोग टेंडर्स फ्लोट करेंगे। सेक्टर 18 में जैसा मैंने बताया, एक तो कैसे उसका ट्रैफिक बेहतर मैनेज किया जा सके, एक तो स्काईवॉक प्लान्ड है फ्यूचर में, दूसरा कुछ पॉकेट्स में जहां ऑलरेडी हम लोगों की पार्किंग का एक्सेस है और गोल्फ कार्ट्स के माध्यम से हम लोग बेहतर लोगों को अंदर तक का एक्सेस देंगे, तो कुछ जगह हम लोग अगर व्हीकल फ्री फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारी मल्टी लेवल पार्किंग क्योंकि वहाँ ऑलरेडी है और सरफेस पार्किंग भी है, तो फिर भी दो पॉकेट्स हम लोग प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ वार्ता करके फर्स्ट फेज़ में दो पॉकेट्स को हम लोग व्हीकल फ्री करें और उसके सब्स्टिट्यूट में आसपास की पार्किंग स्ट्रेंथन की जाए और मल्टी लेवल कैसे स्ट्रेंथन की जाए प्लस लोगों का मार्केट का एक्सेस स्ट्रेंथन किया जाए, इन्हीं सभी चीज़ों पे हम लोग की फाइनल प्लानिंग चल रही है। तब तक उम्मीद किया आपने सेक्टर 18 में, तो क्या पाया वहां पार्किंग को लेकर? सेक्टर 18 का निरीक्षण नहीं हुआ, कल बोटैनिकल पार्किंग है, कब तक उम्मीद करें वो शुरू होगी क्योंकि लगातार डेडलाइन की बहुत मिली है? हमारी पार्किंग के लगभग सारे प्रोजेक्ट्स सिविल वर्क्स कंप्लीट हो चुके हैं और मार्च में वो इनॉग्रेशन के लिए भी तैयार हैं। जहाँ तक उनके संचालन की बात है, लगभग 5 बार हम लोग टेंडर्स फ्लोट कर चुके हैं लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्टर्स उसमें उपस्थित नहीं हुए। फिलहाल ये निर्णय लिया गया है कि एक साल के लिए प्राधिकरण स्वयं कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से इनका संचालन कराएगा, तो जो नेसेसरी इक्विपमेंट्स है उनका हम लोग शीघ्र ही टेंडर निकालने जा रहे हैं, साथ ही मैन पावर का टेंडर निकालने जा रहे हैं। तो एक साल के लिए या दो साल के लिए ट्रायल बेसिस पे अथॉरिटी इसको डिपार्टमेंटली ऑपरेट करेगी और फिर फ्यूचर में जब पार्किंग्स चल जाएंगी तो दोबारा से इसको कम्प्लीटली आउटसोर्स किया जाएगा। भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं सेक्टर 18 जो है पूरी तरीके से पार्किंग फ्री हो जाएगा? देखिए अभी भी सेक्टर 18 में बहुत सारे प्राधिकरण द्वारा काम कराए जा रहे हैं और उद्देश्य ये नहीं है कि पूरा व्हीकल फ्री किया जाए, उद्देश्य ये है कि सेक्टर में लोगों को जाने में बेहतर एक्सेस हो, ट्रैफिक कंजेशन की जो इश्यूज़ रहती हैं उससे वहाँ के जो मार्केट वाले हैं उनको भी असुविधा रहती है और लोगों को भी असुविधा रहती है। कैसे बेहतर तरीके से उसको मैनेज किया जाए उसी पर्सपेक्टिव से फेज़ वाइज इसको व्हीकल फ्री कर रहे हैं और उस व्हीकल फ्री में कुछ एरियाज़ में हो सकता है सरफेस पार्किंग आगे भी चलती रहे और कुछ एरियाज़ में पूरी तरह से प्रतिबंधित है।